हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं डील अलर्ट टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। यूट्यूबर अगस्त्य चौहान का एक्सीडेंट या हत्या, क्या सवाल उठे। नाले में कौन फेंक गया सैकड़ों किलो पास्ता। लड़कियों को ट्रेन में डांस करते देख लोग बोले, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात मुंबई पुलिस के ऑफिसर का, कौन सा काम देख लोग फैन हो गए हैं। कल हमने आपको यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मौत की खबर बताई थी। बुधवार को देहरादून के रहने वाले अगस्त की यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई, ऐसी खबर आई थी। अब मौत का मामला गहरा हो गया है क्योंकि घरवालों ने हत्या की आशंका जताई है। खबरों में उनके पिता के हवाले से ये बात आई कि उन्होंने अंदेशा जताया है कि मौत नहीं है, हत्या है, और कारण बाइक राइडिंग का कंपटीशन बताया। ये भी कहा कि दिल्ली से उनका बेटा चार बाइकर्स के साथ निकला था, 300 किलोमीटर से ऊपर का कोई कंपटीशन था। बाइक और हेलमेट पर एक दूसरे की वीडियो बनाने के लिए कैमरे भी सेट थे, जो अब गायब होने की बात कही गई। ये भी बात आई कि बाकी तीन बाइकर्स जेवर टोल से यू टर्न लेकर लौट गए। ये सब आरोपों में है। अगस्त आगे आया और उन्होंने अगस्त के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जो बाइकर अगस्त के साथ आगे आया उसके भी 3 घंटे बाद परिवार से संपर्क करने की बात आई। ये भी कहा गया कि वो बार बार लोकेशन बदलता रहा। खबरों में ऐसी बातें भी आईं कि बाइक में मामूली टूट फूट आई है और अगस्त के सिर में चोट लगी, इस पर भी परिवार को संदेह है। लोग भी ऐसी बातें लिखते मिले कि जांच होनी चाहिए, इनके हेलमेट ब्लूटूथ से कनेक्ट रहते हैं। उसके साथी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि प्रो राइडर कहाँ हैं, ये उनके यूट्यूब चैनल का नाम था। किसी ने इसकी उल्टी बात लिखी कि यदि उसके पिता को इतनी स्पीड में चलाने पर रोक लगाते वो पहले ही अकल देते कि ये गलत है, तो आज पुलिस को हत्या का शक जाहिर नहीं करते। घर वालों पर पहले हत्या का केस दर्ज करना चाहिए जो इतनी स्पीड पर अपने बच्चों को बाइक चलाने पर मोटिवेट करते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग इसी को कहते हैं। यूट्यूब पर भी इस मामले से जुड़े वीडियो जाए, कई ऐसे थंबनेल जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात लिखी थी, कहीं मर्डर हुआ है यूट्यूबर अगस्त चौहान का जैसी बातें कही गई, कहीं पे आमिर माजिद एक्सपोज्ड जैसे वीडियो दिखे, किसी वीडियो के प्राइवेट होने के आरोप भी लग रहे थे थंबनेल पे। आमिर माजिद नाम के राइडर का वीडियो भी इस मामले से जुड़ा था, उसकी भी बड़ी बातें चली। आमिर अगस्त के साथ ही बाइक चला रहा था, वो जगह भी वीडियो में दिखाई गई आमिर के जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि आमिर की बाइक अगस्त की बाइक से टकराई तो नहीं थी, इस पर भी सफाई दी आमिर ने कि मेरी बाइक नहीं टकराई थी, मैं आगे चल रहा था। सोशल मीडिया पर 300 की स्पीड पर बाइक चलने की खूब बातें कही गई थी। उस पर उसने कहा कि नॉर्मल स्पीड में थे, विंड ब्लास्ट था इसलिए बहुत तेज नहीं चल रही थी बाइक के। मौत जैसी चीज पर भी अजीब सी चीज दिखी। एक वीडियो नजर आया जिसमें एक वॉइस ओवर चल रहा था और यह दिखाया जा रहा था कि प्रो राइडर की बाइक से इंस्टा 360 कैमरा उखाड़ लिया है और उसमें एक्सीडेंट की फुटेज है, ऐसा दावा किया जा रहा था। कोई मुझसे संपर्क करके ये ले ले, मतलब ये वीडियो में वॉइस ओवर पे कहा जा रहा था और चेहरे पे एक इमोजी लगा दी गई थी। यानी ये व्यू के लिए जो बोला गया झूठ है या सचमुच का है, लेकिन जो कुछ भी है वो डिस्टर्बिंग क्लेम है। अब आपको दिखाते हैं ट्रेन से आया वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर प्रचंड वायरल है। कुछ लड़कियां ट्रेन के डिब्बे में डांस कर रही हैं। अब तक सिर्फ मेट्रो और एयरपोर्ट की ऐसी रील्स दिखा करती थी, अब भारतीय रेलवे भी इसका शिकार बन रही है। वायदही शायद लिखना चाहती है, खेला है, वर्ड प्ले है। तो हिमेश वर्जन, ये बड़ा उलझा हुआ सा इनके अकाउंट का नाम है, इस नाम के हैंडल से ये वीडियो आया। साथ में कैप्शन कि भाई मेरे से ट्रेन में लोगों के आगे खाना भी खाया नहीं जाता। रिप्लाई में कहा गया कॉन्फिडेंस दे दो भगवान। किसी ने फीड में ये वीडियो देख के कहा कि ये ट्विटर का एल्गोरिदम कौन डिजाइन कर रहा है, कुछ भी रिकमेंड करता है आजकल। इलॉन मस्क आपसे दरख्वास्त लिखा है, आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज जिन इम्प्लॉयज को निकाला है कुछ को वापस बुला लो, थोड़ा एल्गो सुधर जाएगा। एक यूजर ने लिखा कि इन्हीं हरकतों की वजह से मोदी जी बुलेट ट्रेन नहीं ला रहे हैं। सख्त व्यक्तियों की बात हुई कि जैसे इन दोनों ने इस ग्रुप को इग्नोर किया है, ये मैन ऑफ कल्चर है। एक यूजर ने लिखा, वो भाई रील्स वाली जनरेशन, कुछ तो रहने दो नॉर्मल पब्लिक के लिए। रेलवे का ये मेट्रोकरण आने वाले समय में क्या और खूंखार रूप अपनाएगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, शाम को कुछ खास नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही टाइम काट ही रहे होंगे, तो कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको दिखाते हैं। पहले फेसबुक पर आई वो बात सुनिए जो आपके गोलगप्पे खाने का ढंग बदल सकती है। बस ये मत कहिएगा कि हम तो पहले से ऐसा करते थे, प्लीज ऐसा कमेंट नहीं करना है। अमन आकाश नाम के यूजर ने ज्ञान की बात लिखी, कहा फर्ज कीजिए आप 20 रुपए के गोलगप्पे खाने गए और आपने खाए और कहा कि भैया
पापड़ी दो, भैया ने एक पापड़ी दी, आप खाकर घर आ गए। जिंदगी में हम यही गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों का हिसाब नहीं रख पाते। तजुर्बा कहता है कि अगली बार जब आप 20 रुपए के गोलगप्पे खाने जाए तो गोलगप्पे वाले से कहें कि भैया 10 रुपए का गोलगप्पा खिलाओ। फिर एक सूखी पापड़ी मांगे, जब वो पापड़ी आप खा जाएं फिर कहें कि भैया 10 रुपए के और गोलगप्पे खिलाओ। इस ट्रिक से आप फिर लास्ट में एक और सूखी पापड़ी खा सकते हैं। ऐसा कीजिए और देखेंगे कि आप उसी 20 रुपए में एक सूखी पापड़ी एक्स्ट्रा पा रहे हैं। है ना अद्भुत ज्ञान की बात। इस अद्भुत ज्ञान को शायद आप ना पचा पाएं तो गोलगप्पे ट्राई कर सकते हैं। गोलगप्पे बिना गर्म मसाले के होने चाहिए, वो सब पचा जाते हैं। अगली पेंटिंग भी आप उसके सहारे पचा सकते हैं। No matter how much you dislike Indian players, but Virat Kohli lives in our heart. Please rate my drawing. कहकर विराट कोहली का स्केच नहीं पेंटिंग डाला। ये पेंटिंग देखिए और दहल जाइए। रेडिट पर शेयर करते हुए लिखा गया, रेटिंग नेवर पिक अ पेंसिल अगेन। अब जब ये महान पेंटिंग आपने झेल ही लिया तो एक मेरा बनाया स्केच भी झेल लीजिए। मैंने अवेंजर्स को कागज पर उतारा था, बताइए इसे किसी प्रदर्शनी में लगाया जा सकता है क्या? और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें एंटमैन और वास्प भी हैं। अगले कुछ सेकंड्स में हम आपको खाने की बर्बादी दिखाने वाले हैं। ऐसे दृश्य अगर आपको विचलित करते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। रेडिट से बड़ी अजीब तस्वीरें आईं। आपने फेंकने वाले लोग बहुत देखे होंगे, कुछ को वोट भी दिया होगा। लोग बहुत कुछ फेंकते हैं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं, गंदा लुक फेंकते हैं, लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, लेकिन इस बार फेंकने वाले ने हद ही कर दी। अमेरिका की न्यू जर्सी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। साथ में कैप्शन आया कि पिछले हफ्ते, अब ध्यान रखिए कि 4 दिन पहले का पोस्ट है, माने मामला 10 दिन पुराना होगा। तो ओल्ड ब्रिज में वेटरन्स पार्क के पास एक नाले के किनारे लगभग 300-400 पाउंड पास्ता, लगभग 150 किलो हो गई, हाँ लगभग 150 किलो पास्ता रहस्यमय तरीके से फेंक दिया गया था। इसके बाद से नगर निगम द्वारा इसे साफ कर दिया गया है। अपराधी अब तक पकड़ा नहीं गया है। इसको स्पैगेटी कहते हैं, पास्ता कहते हैं, मैक्रोनी कहते हैं, जो कहते हैं मुझको नहीं पता। लेकिन आप फोटोज देखिए और देख के बताइए कि क्या घिनौना मन नहीं घिनौना भाव घिनौना मन कैसे हो सकता है, क्या घिनौना भाव आपके मन में आया और खाने की बर्बादी का क्या कारण रहा होगा, वो भी समझाने की कोशिश कीजिए मुझे। सोशलिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की, और आज बात एक अच्छी तस्वीर की। 2 मई को वैभव परमार नाम की यूजर ने शेयर किया और लिखा, आज भांडू पंपिंग सिग्नल पर बारिश के कारण सड़क पर फिसलन थी, जिससे बहुत सी बाइक्स फिसल रही थी। ये सब देखकर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। आगे बताया कि इसके बाद बहुत इंतजार नहीं किया उन्होंने कि वेट कर रहे हैं कि लोग और गिने। यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने खुद सड़क को मिट्टी से ढक दिया, डस्ट से ढक दिया। इनको सलाम है। ट्रैफिक कर्मी ने लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए जुगाड़ का सहारा लिया। छोटा सा काम है, पर ऐसे ही छोटे छोटे काम दुनिया को अच्छा बना रहे हैं। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही। हम चले टाटा, सीधे मुलाकात होगी अब सोमवार को। टाटा।